हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने हाल ही में डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नाबार्ड। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस यानी 39 स्थापना दिवस पर यह डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। बात कर लेते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। यह किसानों को लोन देती है बैंक। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी सन 1982 में। कब? 1982 में। और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं गोविंद राजलु चिंटाला। कौन है? गोविंद राजलु चिंटाला इसके चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी दुरई स्वामी। किसे? वी दुरई स्वामी को बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया। इनका पूरा नाम है विक्रम दुरई स्वामी। क्या है? विक्रम दुरई स्वामी, जिनको अभी बांग्लादेश में राजदूत नियुक्त किया है भारत की ओर से। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइकल जेडिनक एक फुटबॉलर थे जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, और यह किस देश से है? यह ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया की 70% जनसंख्या खेल में इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फिर से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य में अभी लॉकडाउन खोलने के बाद में कोरोना वायरस महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण यहां की राज्य सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन करने की घोषणा की है। बस जो ज़रूरी सामान की जो चीज़ें होती है जैसे सब्जी और जो खाने पीने की चीज़ें होती है और दवाई की जो दुकानें होती है, बस यही खुली रहेगी, बाकी सारी दुकानें बंद रहेगी। तो इस तरह से 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है बिहार में। अब बात कर लेते बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चाइनीज़ कंपनी ने भारत में अपना काम बंद करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र ने भारत में अपना काम करना बंद कर दिया है। इसका हेडक्वार्टर है भारत में गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुड़गांव या गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ से औपचारिक रूप से अभी घोषणा की है कि यह चाइना की कंपनी बंद होने जा रही है भारत में, और यह अपने एम्प्लॉइज़ को इसका हर्जाना या
इसका जो भी नुकसान होगा एम्प्लॉई का, उसे वह भर कर देगी या फिर उसे वह नुकसान पूरा करके देगी। यूसी ब्राउज़र कंपनी अब भारत में बंद होने जा रही है, काम करना बंद करेगी। अभी चीन और भारत की सीमा विवाद होने के कारण भारत से चीन के 59 ऐप्स भी हटाए गए हैं, या जिन्हें हटा दिया गया है प्ले स्टोर से भी, वह अब नहीं मिल पाएंगे। और इसी के साथ में अब यूसी ब्राउज़र कंपनी भी भारत में अपना काम करना बंद कर देगी। इसके अभी औपचारिक रूप से घोषणा की है। यह एक वेब ब्राउज़र कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में। कब? 2004 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बी लिख दिया है गलती से, यह सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में से किस देश को शामिल करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले मालाबार नौसैनिक अभ्यास में तीन देश थे, कौन कौन से? पहला था अमेरिका और दूसरा था जापान और तीसरा देश था भारत। यानी यह तीनों देश मिलकर मालाबार नौसैनिक अभ्यास करते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में झारखंड राज्य ने किस बैंक के साथ ट्रैफिक पेनल्टी के लिए समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक के साथ समझौता किया झारखंड राज्य ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक के साथ झारखंड राज्य ने समझौता किया ट्रैफिक पेनल्टी के लिए। जो भी ट्रैफिक पेनल्टी हमारा चालान होता है, जो चालान कटता है, वह हमें बैंक में जमा करना पड़ता था, लेकिन अब झारखंड राज्य ने HDFC के साथ में समझौता कर लिया है, तो स्वैप मशीन के द्वारा कार्ड स्वैप करके हम वहीं पर चालान भर सकते हैं ट्रैफिक पेनल्टी जो लगता है। यह समझौता किया झारखंड ने HDFC के साथ। तो अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक। HDFC का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1994 में, यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC के साथ समझौता किया है ट्रैफिक पेनल्टी के लिए झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसे मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार। अशोक कुमार को 2020 के मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यही है अशोक कुमार जी, और यह पूर्व हॉकी प्लेयर भी है, यानी यह एक हॉकी खिलाड़ी है जिनको मोहन बागान स्थापना दिवस पर मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और मोहन बागान का स्थापना दिवस होता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को, और 29 जुलाई को ही खेल दिवस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों से भी करवाइए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, और दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हो, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। भी हमारे गृह मंत्री ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया। तो यह किया कहां पर है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने यह गुरुग्राम में यह राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों से भी करवाइएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें।
यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।